नमस्ते, आइए अनीता की किचन में आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे चने की दाल का हलवा। जिसे बनाने के पहले मैंने सवेरे 2-3 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था। अब अपनी दाल अच्छी फूल चुकी है, देखिए ऐसी टूट टूट भी रही है। और सब दो तीन अभी भी इसको धो ऊपर रखने के बाद में 2-3 पानी से धो लिया है। अब अपन इसको मिक्सी में पीसेंगे। ये दाल एक कटोरी दाल थी, अब फूल कर डबल हो चुकी है। पानी की अगर गरज पड़ेगी तो अपन पानी डाल के भी पी सकते हैं। देखिए अपना महीन अच्छा चने की दाल पीस चुकी है, ये देखिए। चना चना दाल का हलवा बनाने के लिए साहित्य लगता है घी, 1-2 चम्मच घी लगेगा, काजू के कुछ टुकड़े है, बादाम के कुछ टुकड़े, नारियल है, नारियल के टुकड़े और मनुका पिस्ता। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर नारियल के टुकड़ों को अपन घी में भून देंगे। नारियल के टुकड़े को भून लिया, काजू के टुकड़े, बादाम के कुछ टुकड़े डाल दिए। घी डाला है और चने जो चने दाल का पेस्ट है उसको अपन सेक लेंगे। अब चने दाल के बैटर को थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको भून लेंगे।
इसमें डालेंगे एक कप, बड़े कप से एक कप दूध। दूध इस वजह से कि ये दाल का कच्चापन अच्छे से सीध जाए। इस स्टेप पे डालेंगे अपन इलायची का पाउडर। और इसी में डाल देंगे अपन शक्कर, डालूंगी एक कटोरी। आपको जितने लगे उतनी आपके स्वाद अनुसार शक्कर डालिएगा। देखिए अपना हलवा बनके रेडी हो चुका है। अपना हलवा देखिए प्यान छोड़ रहा है ऐसे, जब तक इसको गूंजते रहने का। और इसका कच्चापन दूर करने के लिए अपन ने इसमें एक कप दूध डाला है और दूध के साथ इसको पका ले। शक्कर भी डाल चुके हैं पापा, अपन डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसमें काजू बादाम खोबरा है और मनुका। बढ़िया अपना भून के तैयार हो चुका है, पूरे रूम में इसकी खुशबू फैल गई है। बढ़िया देखिए पूरा प्यान फोड़ने लगा है। चलिए आप अपना गैस बंद करेंगे अपन। चने की दाल का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। और इस हलवे को अपन नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी इस हलवे का उपयोग किया जा सकता है। आज के आपको चने की दाल का हलवा बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।